वेलकम। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी स्टोरेज पीसी की फुल आ रही है और इवन कि अगर वो फुल नहीं भी आ रही तो आपकी सी ड्राइव में ऐसी कई फाइल्स पड़ी हुई होती हैं जो कि वेस्टेज होती हैं, जो कि कैशे का हिस्सा होती हैं या जो रजिस्ट्री का हिस्सा होती हैं, और वो आपकी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर किए रखती हैं। सो यू हैव टू डिलीट इट फ्रीक्वेंटली। सो आपने उनको डिलीट करना होता है ताकि आपके लैपटॉप या सिस्टम थोड़ा सा अच्छा स्पीड भी काम करें, क्योंकि आपके पास जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो सब आपकी सी ड्राइव में ही रिजाइड करते हैं। चाहे आप फाइल्स को ई ओ डी में रखें लेकिन उनका फिर भी टेम्परेरी पार्ट सी के अंदर मौजूद होता है, जिसको रिफ्रेश करना और जिसको एक्स्ट्रा डेटा को डिलीट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स सी द प्रोसीजर। सो मैं आपको यहाँ पे अपनी सी ड्राइव को दिखा रही हूँ। मेरी सी ड्राइव इस टाइम पे ट्रूली फुल आउट है। यू कैन सी कि आउट ऑफ 23.2 GB आई हैव ओनली 1.84 GB एंड इट इज आल्सो साइन अप रेड 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 इंडिकेट्स डेट माई स्टोरेज इज अबाउट टू फुल। और जब आपकी स्टोरेज इतनी फुल होती है तो डेफिनेटली आपकी लैपटॉप की स्पीड भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। सो हम इसको फ्री करते हैं, लेकिन अगर आपकी स्टोरेज फुल नहीं भी है तो भी आप ये प्रोसीजर अप्लाई करके अपने सिस्टम को बूस्ट सिस्टम की स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ के अंदर आई टोल्ड की कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं। सो राइट क्लिक ऑन द विंडो सी, देयर इज अ ऑप्शन प्रॉपर्टीज एट द एंड ऑफ द मेन्यू। क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज, लुक देयर इज अ ऑप्शन डिस्क क्लीनअप। सो क्लिक ऑन द डिस्क क्लीनअप। नाउ इट विल कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करेगा कि बेसिकली वो कौन सी सारी फाइल्स हैं जो कि एक्स्ट्रा पड़ी हैं या जिनको क्लीन अप होने की ज़रूरत है, का जो कि डंप फाइल्स हैं और जिनको फ्री अप हो जाना चाहिए था। इट टेक्स अ टाइम, ये थोड़ा सा टाइम देता है जिसमें ये ग्रीन कलर की बार आगे होती रहेगी। और जैसे ही ये आपके पास कंप्लीट होगा तो देखिए आपके पास यहाँ पे मेंशन हो रहा है डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं जिनको आप क्लीन अप कर सकते हैं, लाइक आपकी रिसाइकल बिन, आपकी सेटअप लॉग फाइल्स, आपकी टेम्परेरी फाइल्स। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आपकी मेमोरी में जगह दी हुई है और इनकी ज़रूरत भी नहीं है। सो मैं इनको यहाँ पे जैसे ही ओके करूँगी तो ये सारी आपके पास डिलीट फाइल्स, यस डिलीट इट, ये डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगेन इट टेक्स टाइम। After the procedure, it will look like that. So I will click on OK and again go on my C drive and check either it is cleared or not. So पहले ये 1.9 something थी, आप देखें ये 2.3 GB free space आ रही है। So हम इसको मज़ीद भी, अभी ये पहले से बहुत इम्प्रूव हो गई है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अगेन प्रॉपर्टीज पे जाएं, अगेन डिस्क क्लीनर पे जाएं और यहाँ पे नीचे आपके पास सिस्टम फाइल्स को भी क्लियर करने का ऑप्शन आता है। जैसे ही ये रिकलकुलेट करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। यस लुक डेट क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, यस क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये अगेन यहाँ पे इस तरह का एक प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। और अब जब ये सिस्टम फाइल्स क्लियर होंगी, इट टेक्स अ फ्यू मिनट एंड ऑफन सम सेकेंड्स, देन जो मेरी स्टोरेज है इट विल क्लियर मोर। इट टेक्स मैनी टाइम, इसने काफ़ी मिनट्स लिए हैं इसको अपनी सिस्टम फाइल्स को क्लीन अप करने में। एंड नाउ आई विल सिंपली क्लिक ऑन ओके। ओके अब आप देखें यहाँ पे आपको विंडोज़ की अपडेट क्लीन अप भी आ रही है। जो विंडोज़ की अपडेट क्लीन अप होती है ये वो होती है जो कि आपकी विंडोज़ की अपडेट होती रहती है, लेकिन वो आपकी कैशे में पड़ी होती है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं होती। नीचे उसने आपको मेंशन भी की हुई है, विंडो कीप्स कॉपीज ऑफ ऑल इंस्टॉल्ड अपडेट्स फ्रॉम विंडो, यानी अगर आप इसको डिलीट कर भी देते हैं तो ये आपके पास फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सो सिंपली मैं इसको क्या कर दूंगी, ओके यस आप इसको डिलीट कर दें, मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। सो आर यू श्योर टू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स, यस डिलीट इट। सो इट्स अगेन टेक्स सम टाइम, ये दोबारा थोड़ी देर लेगा और जिससे आपके पास ये जो विंडोज की जो अपडेट फाइल्स थी वो आपके पास डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो
सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन ओके एंड देन ये आपसे आपके सिस्टम का रीस्टार्ट मांगेगा, यानी आपको ज़रूर एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है, और उसके बाद जब आप अपनी सी ड्राइव को जाके देखेंगे तो वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी और उसकी कैशे भी रिमूव हो चुकी होगी।